नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में। स्वागत करता हूं मैं पवन सर, आप सभी को सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन की अपने। तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि प्रश्नावली 7.1 को पूर्ण रूप से मैंने ख़त्म कर दिया। आप लोग उस पर जा करके प्लेलिस्ट में मैंने उन सभी वीडियो को डाला है, आप जा करके उसको देख लेंगे। लगभग 5-6 पार्ट में उसको बनाया गया है, तो आप उसको देखेंगे और मज़ा आ जाएगा कि प्रश्नावली 7.1 कन्फर्म हो गई है। तो बस दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए और एक प्यारा सा कमेंट लिख करके भेज दीजिए। और आप पूछिए कोई क्वेश्चन अगर आपको समस्या हो रही है तब। तो चलिए हम अपने सेशन की आज शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्लास क्या है। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो प्रश्नावली 7.1, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो प्रश्नावली 7.2 होगी आज की। पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसके पहले आपको ये बताया कि इसमें जो भी सूत्र होते हैं वो मैंने आपको पहले भाग में रखा है, ठीक है। आप उसको भी देख ले सकते हैं कि इसमें कितने सूत्र हैं, ठीक है, या कौन कौन से सूत्र कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देख कह रहा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1.7 व 4.-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों यहाँ ये नहीं कहा है अंतः अनुपात बाह्य अनुपात, ये आपसे नहीं कहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि इसको क्या करना है, दो खंडों में विभाजित करना है, ठीक है भाई। तो चलिए, तो यहाँ देखिए आपको मैंने सूत्र लिखा है, एक अंतः अनुपात एक बाह्य अनुपात। अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, अंतः अनुपात, ठीक है, अंतः अनुपात। अगर आप वीडियो पर आज पहली बार इसको देख रहे हैं इस चैप्टर को, तो थोड़ा सा देख लीजिए, मैं उसके बाद फिर बता रहा हूँ। देखिए अंतः अनुपात का जो सूत्र होता है, यक्स बराबर ये कहा जाए, मान लेते हैं जैसे आपकी एक रेखा है, ठीक है भाई, एक क्या है, रेखा। ये रेखा मान लेते हैं ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, ए बिंदु और बी बिंदु। ए बिंदु मान लेते हैं यक्स वन और क्या है, वायु वन है। बी बिंदु आपका यक्स टू और क्या है, वायु टू है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जो दो बराबर भागों में विभाजित करने का मतलब होता है यम वन अनुपाते क्या होता है, यम टू, या इसी को ए अनुपाते बी भी कह सकते हैं, या यम अनुपाते एन भी कह सकते हैं। तो आप उसको चाहे जिस रूप में बांट सकते हैं। तो मैंने इसको नाम रख दिया यम वन अनुपाते क्या, यम टू। अब देखिए इसको कहता है अंतः अनुपात क्या होगा, बाह्य अनुपात क्या होगा। अगर बात करें अंतः अनुपात बिंदु यक्स बराबर यम वन यक्स टू प्लस यम वन सॉरी यम टू यक्स वन बटे यम वन प्लस क्या होता है, यम टू। वाई बराबर होता है आपका यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन बटे यम वन प्लस क्या होता है, यम टू। ये आपका अंतः अनुपात बिंदु होता है, क्या होता है, अंतः अनुपात। यहाँ से आपका बिंदु निकल के आता है यक्स कामा क्या निकल के आता है, वाई। ये आपका अंतः अनुपात होता है। अगर यहाँ से बाह्य अनुपात की बात करें भाई, देखिए जो बाह्य अनुपात होता है सिर्फ यहीं पर हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, बाकी आपका सेम ऐसे ही रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ आपको चेंजिंग क्या करना है, वहाँ पर ओनली केवल माइनस करना है बस। तो चलिए हम क्लास की शुरू देखते हैं अपने आगे इस पर, ठीक है। मैंने सूत्र लिखा दिया है, अब देखिए यहाँ से देखिए, तो ये देखिए जैसे लिखा है इसमें लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, बिंदु, बिंदु आपका ए, ए दिया है आपका बिंदु -1.7, बिंदु बी 4.-3, ठीक है। ये देखिए ये आपका यक्स वन ये वाई वन यक्स टू ये वाई टू, क्लियर। अगर मैं बात करूँ यहाँ से अनुपात की, देख लेते हैं यम वन अनुपाते यम टू बराबर आपका दिया है, देखिए 2:3, 2:3 कितना, 3। तो इस तरह से यम वन का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, यम टू का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, क्लियर। तो इस तरह से इसको आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए सूत्र आपका होता है अंतः अनुपात, मैंने आपको भी बताया ना अंतः, ठीक
ठीक है, अंतः अनुपात। तो अंतः अनुपात का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, यक्स बराबर यम वन यक्स टू प्लस यम वन यम टू यक्स वन बटे यम वन प्लस क्या होता है यम टू होता है, कामा वाई बराबर यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन बटे यम वन प्लस क्या होता है यम टू। बस इसी पे हमें अपने क्या करना है, मान को रखना है। ठीक है भाई, देखते हैं, चलिए रखते हैं मान यक्स बराबर, ये देखिए यम वन, यम वन का मान कितना रखेंगे दो गुणे यक्स टू, यक्स टू का मान कितना रखेंगे चार प्लस यम टू का मान तीन गुणे यक्स वन का मान माइनस एक, जब भी अगर माइनस मिलता है तो आप ब्रैकेट में बंद किया करें, बटे यम वन प्लस यम टू दो प्लस कितना तीन, कामा वाई बराबर यम वन का मान दो वाई टू का मान माइनस तीन प्लस यम टू का मान कितना है आपका तीन, वाई वन का मान कितना दिया है सात, क्लियर कितना दिया है भाई सात, बटे लगाएंगे ये देखिए दो प्लस तीन, क्लियर इतना समझ में आ गया। अब चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं, यक्स बराबर चार दूनी आठ प्लस प्लस माइनस माइनस जी, यहाँ पर आप थोड़ा से चेक करके रखना तभी, ठीक है प्लस माइनस माइनस तीन इकन्नम तीन बटे तीन दो पाँच, कामा वाई बराबर देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस दो तियाई छः प्लस सात त्रिक इक्कीस बटे कितना आया पाँच। तो इस तरह से आपका यहाँ से यक्स बराबर आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा पाँच बटे पाँच, वाई बराबर मिलेगा आपका ये पंद्रह बटे कितना मिला पाँच, इतना समझ में आ गया आपको, क्लियर यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है यह देखिए पाँच इकन्नम पाँच, पाँच इकन्नम पाँच, पाँच तियाई पंद्रह, तो इस तरह से यक्स बराबर आपका मिला एक, वाई बराबर आपका मिला कितना तीन, क्लियर है यक्स बराबर एक वाई बराबर तीन। तो आपका जो बिंदु निकलेगा वो क्या निकलेगा, बिंदु आपका निकलेगा यक्स कामा वाई। अब देखिए यक्स मान कितना एक और वाई का मान कितना तीन, जी आपका यही क्या आ गया आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सरल तरीके से इसको क्या करिए हल करिए। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ला रहा हूँ। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको दूसरा क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है चलिए भाई देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा है, कह रहा है कि बिंदुओं चार कामा माइनस एक माइनस दो कामा माइनस तीन को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो भाई ये भी सवाल वैसे है, लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है सम त्रिविभाजन। देखिए सम त्रिविभाजन का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं एक कोई रेखा है, ठीक है ये रेखा ए है ये बी है, ये टोटल लंबाई इस रेखा की है तीन सेमी, कितनी सेमी तीन सेमी। अगर तीन सेमी है तो इसको मान लेते हैं एक बाह मान लेते हैं मध्य बिंदु कोई बिंदु था, इसको पी मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं पी। तो अगर इसको हम विभाजित करेंगे तो क्या होगा, ए पी बराबर एक हो सकता है, बी पी बराबर दो हो सकता है, हो सकता है नहीं भाई, या इसके ए पी बराबर दो हो सकता है या बी पी बराबर एक हो सकता है, भाई डेढ़ तो हो नहीं सकता है ना। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ए पी ए पी ए पी बराबर एक और बी पी बराबर कितना दो, तो इसका अनुपाती योग अगर देखा जाए एक अनुपाती दो बटा, या ए एक बटा तीन लिख सकते हैं या दो बटा तीन लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम विभाजित कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा अनुपात जो निकलेगा वो या तो एक अनुपाते दो निकलेगा या दो अनुपाते एक निकलेगा, बस आपको इतना ही करना होगा। तो यहाँ देखिए हल कैसे करेंगे, देखिए दिया है, ध्यान से देखना, दिया है बिंदु बिंदु ए, बिंदु ए चार कामा माइनस एक, बिंदु बी दो माइनस दो कामा माइनस तीन,
ठीक है। और जो आपका अनुपात दे रहा है, अनुपात देखिए यम वन अनुपाते यम टू, यम वन अनुपाते यम टू बराबर एक अनुपाते कितना दो, क्योंकि ये कह रहा है कि सम त्रिविभाजन, क्या कह रहा है सम त्रिभाजित, ठीक है सम त्रिविभाजित या त्रिविभाजित। तो इस तरह से इसको हम कैसे हल करते हैं जरा देख लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखिए यम वन यहाँ रखेंगे सूत्र आपका यक्स बराबर यम वन यक्स टू प्लस यम टू यक्स वन बटे यम वन प्लस यम टू काम वाई बराबर यम टू सॉरी यम वन यक्स टू ओ वाई टू प्लस यम टू वाई वन बटे यम वन प्लस क्या होता है यम टू होता है, ठीक है भाई। देख लेते हैं इस तरह से इसको हम रख करके, अब देखिए यम वन यक्स बराबर यम वन का मान कितना रखेंगे एक गुणे यक्स टू का मान कितना रखेंगे, देखिए यक्स वन वाई वन यक्स टू वाई टू आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कितना रखेंगे दो प्लस यम टू का मान कितना रखेंगे दो यक्स वन का मान कितना रखेंगे चार बटे लगाएंगे एक प्लस कितना दो कामा वाई बराबर यम वन का मान एक वाई टू का मान माइनस तीन यम टू का मान दो वाई वन का मान माइनस एक बटे कितना करेंगे एक प्लस दो। अब देखिए यक्स बराबर लिखेंगे ये देखिए माइनस दो एक अन्नम माइनस दो प्लस चार दूनी आठ बटे तीन कामा वाई बराबर इस तरह से यहाँ आ जाएगा माइनस तीन एक अन्नम तीन माइनस दो एक अन्नम दो बटे तीन, है ना भाई। इस तरह से आप यहाँ देख लेंगे इधर मैं बता दे रहा हूँ देखिए इधर इधर देख लेते हैं। तो यक्स बराबर आपका निकल के आ गया इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा छः बटे तीन यहाँ वाई बराबर आ जाएगा आपका ये तीन दो पाँच माइनस पाँच बटे कितना तीन तीन एक अन्नम तीन तीन दूनी छः यक्स बराबर दो वाई बराबर माइनस पाँच बटे तीन, क्लियर। तो ये जो बिंदु आपका निकला बिंदु आपका यक्स कामा क्या निकला वाई, ठीक है। तो यक्स बराबर आपने देखा दो और वाई बराबर माइनस पाँच बटे कितना तीन जी यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप रिवाइज करिए आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए मैं आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा आपसे अगले क्वेश्चन से। तो बस आज के लिए इतना ही, आप लोग रिवाइज करते रहिए और शुरू से लेकर के अंत तक का पूरी क्लास देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अदर यूट्यूब या अदर कोचिंगों में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।